हेलो स्टूडेंट्स, मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम सेकंड चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने यहाँ देखा था कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखा था। ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल गॉसैन का सेकंड रूल है। फर्स्ट रूल हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। यहाँ हमने देखा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कि इनकम का अलोकेशन किस तरीके से किया जाए कि हमारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो और डिवाइडेशन टू या मोर गुड्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सके। वहीं हमने इक्वेशन भी देखी थी पिछली क्लास में। मैं एक बार आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मोर देन अगर गुड्स का हम यूज़ करते हैं तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ हमने ये फुलफिल की थी। क्या की थी? MUX एक्स कॉमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी डिवाइडेड बाय PX इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY, यानी कि वाई कमोडिटी से मिलने वाली यूटिलिटी को हमने डिवाइड किया था प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी से। ये दोनों क्या होने चाहिए थे? इक्वल होने चाहिए थे। और हमने यही भी देखा था, ये टू इक्वेशन देखी थी। फर्स्ट इक्वेशन हमने देख ली। सेकंड इक्वेशन में हमने कहा था कि एक्स कमोडिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस करना था वाई की कमोडिटी की प्राइस को। तो यहाँ वो हमारी किसकी इक्वल होनी चाहिए थी? मनी से। वहाँ हम एग्ज़ाम्पल भी देख के आए थे, 340 था, यहाँ हमें 360 प्लस 90। इस तरीके से हम एक एग्ज़ाम्पल भी हम पढ़ कर के आए हैं। वहाँ हमने देखा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कैन बी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, ये हम देख कर के आए हैं। हमारी इनकम इतनी है, इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये सारा हमने पढ़ा, जो कि हमारा कार्डिनल अप्रोच के अंतर्गत था। दो नियम पढ़ चुके हैं, लॉ पढ़ चुके हैं कार्डिनल, जो कि मार्शल ने एलोबरेट की थी। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो लॉ है इसके इम्पोर्टेंस क्या है। जो भी लॉ होता है उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व और कुछ ना कुछ लिमिटेशन यानी कि कमियां ज़रूर होती है। यहाँ हम अभी सबसे पहले इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ एप्लीकेबल इन वेरियस फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कई फील्ड में ये एप्लीकेबल होता है। यहाँ हम देखेंगे कि कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सभी में किस तरीके से इक्वी मार्जिनल होता है, क्योंकि हम वहाँ पढ़ कर के आए हैं कि इनकम को अलोकेट करना है। उसी तरीके से अगर हम कंजम्पशन करते हैं तो हमारे पास में जो इनकम होती है हम उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अदर्स गुड्स में, वो हम देखते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके पास में कितने सोर्स है, उस सोर्स का अलोकेट किस तरीके से करें, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से करें कि उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। तो ये सभी में कौन सा लॉ यूज़ आता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल। इक्वी मार्जिनल यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, यही इस पॉइंट में कहा गया है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आपको स्पेंड होए अपनी इनकम के द्वारा। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि हमारे पास में रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, अल्टरनेटिव होता है, और हमारी वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड। तो उसी को यहाँ बताया जाएगा कि किस तरीके से हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर सकें लिमिटेड रिसोर्स में। आगे कहा गया है, इट कैन आल्सो बी अप्लाई टू अलोकेट ऑफ इनकम। वहाँ हमने नाम भी देखा था इक्वी मार्जिनल का, एक नाम वहाँ पे अल्टरनेटिव नेम भी था, अलोकेशन ऑफ इनकम बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग। हम यहाँ देखते हैं जो हम टोटल इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट हम कंजम्पशन में लगाते हैं, कुछ पार्ट हम आगे फ्यूचर के लिए हम सेविंग करते हैं। अगर हम 10,000 कमा रहे हैं तो 7,000 अगर हम खर्च करें तो 3,000 हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया, 10,000 का अलोकेशन किया ना, डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हम किस तरीके से करें और उसके बाद में जहाँ हम खर्चा कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम किस तरीके से हमारी इनकम का
सही यूटिलाइजेशन हो जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, ये सारा हमें कैलकुलेट करने में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल हेल्प करता है। ये कहा गया है कि दस द लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट इन द यूटिलिटी एनालिसिस, यहाँ हम यूटिलिटी यानी उपयोगिता के एनालिसिस को समझ रहे हैं, एज इट नॉट पॉसिबल टू मेजरमेंट यूटिलिटी। यहाँ कहा गया है कि हमने देखा था कार्डिनल में जो कि मार्शल ने कहा था कि हम यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, पर अब हम ये सारा एनालिसिस देखने के बाद में हमें समझ में आता है कि नॉट पॉसिबल टू मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, तो हैंस एन अल्टरनेटिव अप्रोच वाज प्रोफाउंडेड बाय हिग्स। तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच को का खंडन करते हुए हिग्स ने क्या कहा कि नहीं, हम यूटिलिटी को यानी कि सेटिस्फैक्शन को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कौन सी अप्रोच समझाई थी, ऑर्डिनल अप्रोच समझाई। ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब, ऑर्डिनल का अप्रोच का मतलब है कि हम ऑर्डर देंगे, रैंक देंगे हमारे सेटिस्फैक्शन को। आगे हम देखेंगे, कहा गया इसके लिमिटेशन ऑफ लॉ, इक्वी मार्जिनल के लिमिटेशन में कहा गया कि कुछ कमियां रह गई थी। उसमें कहा गया है कि दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट ए कंज्यूमर हैज़ फुल नॉलेज ऑफ द अल्टरनेटिव प्रिफ्रेंस। हम यहाँ हर एक लॉ में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अजम्पशन मान करके चलते हैं, पर रियल लाइफ में वो अजम्पशन हमारे काम नहीं आते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर रैशनल है, यानी कि वह एक विवेकशील बुद्धि का है, पर फिर भी उसे कुछ ऐसी बातें होती है जो मार्केट की उन्हें नहीं पता होती है। हम कहते हैं कि वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट से, किसी फैशन से, हैबिट से, किसी से इफ़ेक्ट नहीं होता, सब कॉन्स्टेंट है, पर नहीं, रियल लाइफ में क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट से या किसी औरों को देख करके वो इफ़ेक्ट होता है, अपनी डिमांड को, अपनी इनकम की एलोकेशन को वो इफ़ेक्ट करता है। वही सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके अजम्पशन हो जाएंगे। हम वहाँ पे सॉरी लिमिटेशन हो जाएगा, अजम्पशन में हम मान के चले थे कि कोई भी कॉमोडिटी है वो डिवाइडेड हो सकती है। हम कह रहे थे कि नहीं, हम हाफ के जी एप्पल ले लेंगे, 2 kg हम बनाना ले लेंगे, पर कई गुड्स इस तरीके से भी होते हैं, हम हर कॉमोडिटी के लिए नहीं कह सकते या हर गुड्स के लिए नहीं कह सकते कि वो डिवाइडेड है। कुछ गुड्स अनडिवाइडेड भी होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कार है, अब कार को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हो ना, आधी कार तो आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये जो हमने जो अजम्पशन मान के चली थी कि इट इज़ अजम दैट ऑल गुड्स आर डिविजेबल विल इन रियलिटी गुड्स लाइक हाउस एंड कार आर इन डिविजेबल। तो हम यहाँ पे जो फिक्स क्वांटिटी परचेज करते हैं इनकी, कि एक हाउस चाहिए या एक हमें कार चाहिए। आगे यहाँ पे कहा गया है कि हम मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के रूप में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम ये कहते हैं यूटिलिटी मेजरेबल है, पर एक्चुअली में ये अनमेजरेबल होती है। हम हमारे सेटिस्फेक्शन को जहाँ हमने माना था कि बनाना से हमें 30 यूटिलिटी मिलती है, तो ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम अजम्पशन मान करके चल रहे थे, ये रियल लाइफ में नहीं हो पाता। देर इज़ नो फिक्स अकाउंटिंग पीरियड, वहाँ मान के चले थे किसी भी तरीके से हमें अकाउंटिंग पीरियड वगैरह हमारा फिक्स नहीं था, पर रियल लाइफ में क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड फिक्स होता है। कुछ वस्तुएं ड्यूरेबल होती है, वो एक लंबे टाइम के लिए भी यूज आती है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी था। हमने यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस भी देखी, लिमिटेशन भी देखी और इक्वेशन भी देखा। ये हम सारा कार्डिनल अप्रोच में पढ़ रहे थे। आगे का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हिग्स ने समझाया है हमें। हिग्स ने हमें कहा कि यूटिलिटी को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, सेटिस्फेक्शन को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक छोटे बच्चे के सामने आप चॉकलेट रखोगे तो वो ये नहीं करेगा कि मेरे लिए चॉकलेट है, पेन है, और एक आप बुक रखोगे तो वो सबसे पहले, एक पेंसिल रखोगे तो वो सबसे पहले चॉकलेट को ही प्रेफरेंस देगा। अब वो सेटिस्फेक्शन किस में रखेगा, तो वहाँ पर वो अपनी सभी इच्छाओं को एक क्रम में रखेगा। सबसे पहले वो चॉकलेट लेगा, फिर उसके काम की चीज़ क्या है, पेंसिल लेगा। इस तरीके से अपने वांट्स को वो रैंक में रख रहा है कि सबसे पहले मुझे इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पे यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते, हाँ हम उसको एक ऑर्डर में लगा सकते हैं, एक रैंक दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग, हर एक पर्सन या टाइम या हर कॉमोडिटी के बेस में सबकी अपनी अपनी यूटिलिटी होती है, अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है।
आगे हम देखेंगे। तो यानी कि हमें कहा गया कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है, जो हिक्स ने समझाई है, वो अपने ऑर्डिनल अप्रोच को समझाने के लिए एक जो कंसेप्ट लेकर के चला है, उस कंसेप्ट का नाम यहाँ पे हम देखेंगे इनडिफरेंस कर्व है। इनडिफरेंस कर्व, जिसे कि हम हिंदी में बोलेंगे तटस्था वक्र, अनधिमान वक्र, ये हम यहाँ पे इनके नाम यूज लेंगे। तो आगे हम अब देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक कि मीनिंग ऑफ इनडिफरेंस कर्व। यहाँ हम देखेंगे इनडिफरेंस कर्व का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि एन इनडिफरेंस कर्व शो द वेरियस कॉमोडिटी ऑफ टू कॉमोडिटीज विद इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहले बहुत ही क्लासिकल इकोनॉमिक थे, उन्होंने इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने हमें ये बोला था कि हम यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमें हिक्स और एलन ने हमें ये समझाया कि नहीं, आप यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, आप अपनी उपयोगिता को एक मनोवैज्ञानिक तथ्य से, जो आधुनिक अर्थशास्त्रों ने हमें समझाया था, उसको हम अव्यवहारिक मान्यताओं को हम नहीं स्वीकार करते हुए हिक्स और एलन ने हमें यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच दिया। तो यहाँ पे कहा गया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र कहते थे कि जब उपयोगिता के द्वारा, जब उपभोक्ता के द्वारा किसी एक वस्तु की अधिक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। हमने वहाँ पहले भी पढ़ा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा है, वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक ही गुड्स का यूज़ कर रहे थे। लॉ ऑफ इक्वी में हमने क्या किया था, टू गुड्स का यूज़ किया था। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि अगर एक ही गुड्स का हम यूज़ करते रहते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या होती है, कम होने लगती है। एग्जाम्पल लिया था बनाना की, हम 5 यूनिट का उपयोग कर लेते हैं, पर जैसे ही हम छठा बनाना अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिए उसकी क्या हो जाएगी, उपयोगिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहा गया एक ही वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का अगर हम उपयोग करते हैं तो उस समय उसकी उपयोगिता क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसलिए वहाँ पे क्या करता है कंज्यूमर, अब उस कॉमोडिटी के स्थान पर किसी और दूसरी कॉमोडिटी का उपयोग करने लगता है। तो यहाँ पे हम ये सारा चीज़ें जो है हम इनडिफरेंस कर्व में समझाएंगे कि किसी दो वस्तुओं से हमें किस तरीके से सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। अगर एक वस्तु का उपयोग बढ़ाना है तो उपभोक्ता को दूसरी वस्तुओं का उपयोग कम करना पड़ेगा ताकि संतुष्टि का एक नया स्तर उसको मिल सके। वो अगर पहले वाला ही स्तर अगर बनाना चाहता है, यानी कि हम यहाँ पे कहें कि वो एप्पल और बनाना दोनों यूज़ करना चाहता है, उसे दोनों से मिलने वाली उसकी सेटिस्फैक्शन क्या हो, इक्वल हो, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स क्या होते हैं, कम होते हैं। 100 रुपये में ही, अभी हमने देखा भी था इनकम का एलोकेशन करने के लिए, तो हमें अगर 100 रुपये में ही हमें दो गुड्स लेने हैं तो हम देखेंगे कि पहले हम 50 रुपये के बनाना ले रहे थे और 50 के हम एप्पल ले रहे थे, पर हमें बनाना की कुछ और क्वांटिटी हमें चाहिए थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम 75 बनाना लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 25 एप्पल का हमें रिड्यूस करनी पड़ेगी मात्रा। तो वही यहाँ पे कहा, पर हमारे सेटिस्फैक्शन यानी कि 100 का ही मिलना चाहिए, संतुष्टि का पॉइंट वही हो, सेटिस्फैक्शन का पॉइंट वही हो। तो हम यहाँ कहा गया कि अगर एक वस्तु का उपयोग बढ़ाना है हमें तो दूसरी वस्तु का उपभोक्ता को यहाँ क्या करना पड़ेगा, उपयोग कम करना पड़ेगा ताकि संतुष्टि का स्तर उसका वो का वही हो। तो ऐसी स्थिति में हम इनडिफरेंस कर्व की परिभाषित करेंगे। इनडिफरेंस कर्व में दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न, ध्यान दें कि इनडिफरेंस कर्व में तटस्था वक्र में दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोग जिसका उपयोग कर कंज्यूमर को समान संतुष्टि मिलती है। मैं यहाँ फिर पढ़ दूँ कि इनडिफरेंस कर्व शो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी विद इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू ए कंज्यूमर। यहाँ बताया गया इनडिफरेंस कर्व है वो शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशन, बहुत से कॉम्बिनेशन शो करता है किसके, कोई भी टू कॉमोडिटी के या फिर गुड्स के, जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा क्या हो, इक्वल हो। यानी कंज्यूमर को अगर पहले के ही जैसे उसे सेटिस्फैक्शन लेना है तो अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बना करके चलता है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें पहले भी पढ़ चुके हैं। हम कॉम्बिनेशन क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्स कम होता है।
हमने पीपीसी कर्व में भी देखा था, हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे थे, वही यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि हर कॉम्बिनेशन में वो दो गुड से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा इक्वल ही होना चाहिए। ध्यान दें, इसमें इंपॉर्टेंट बात है, टू कॉमोडिटी के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उससे सेटिस्फेक्शन हमें हर लेवल पर क्या होना चाहिए, इक्वल ही होना चाहिए। ये हम इनडिफरेंस कर्व है वो ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू हम समझा रहे हैं। तो कहा गया है ऑर्डिनल अप्रोच यूज इन डिफरेंस कर्व। ऑर्डिनल अप्रोच में कहा गया है कि हम हमारी यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को ऑर्डर देते हैं, एक रैंक देते हैं विद द हेल्प ऑफ इन डिफरेंस कर्व और कंज्यूमर प्रिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड। वह अपना कंज्यूमर किसको प्रेफरेंस दें, इसको हम इन डिफरेंस कर्व से समझाएंगे। आगे देखते हैं, कहा गया है इन डिफरेंस शेड्यूल एंड इन डिफरेंस कर्व। यहाँ पे ध्यान दें कि मैंने पहले भी बताया, इन डिफरेंस शेड्यूल यानी कि हम सारे कॉम्बिनेशन को, जो टू गुड से हम जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा इक्वल होगा, वो कॉम्बिनेशन को अगर हम शेड्यूल यानी तालिका से समझाएं तो हमारा क्या कहलाएगा, इन डिफरेंस शेड्यूल कहलाएगा। उसी को अगर मैं इस तरीके से कर्व बना करके समझाऊँ तो वो मेरा क्या हो जाएगा, इन डिफरेंस कर्व हो जाएगा, यानी कि तटस्था यानी तालिका या तटस्था वक्र कहलाएगा। तो कहा गया है कि टू ड्रॉ द इन डिफरेंस कर्व वी मस्ट हैव इन डिफरेंस शेड्यूल विच शो डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई बिटवीन विच द कंज्यूमर इन डिफरेंस। अपनी इच्छाओं को किस तरीके से वह संतुष्ट कर सके, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन को अगर हम तालिका से या किसी वक्र के द्वारा समझाते हैं तो उसे इन डिफरेंस वर्क कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, यहाँ एक मैंने टेबल बताई है आपको, तो ये इन डिफरेंस शेड्यूल कहलाएगा और ये आपका इन डिफरेंस कर्व कहलाएगा, जिसे कि मैं शॉर्ट फॉर्म में IC कहूँगी, इन डिफरेंस कर्व यानी कि IC। ठीक है, यहाँ आपको 6 तरीके से कॉम्बिनेशन दिए गए हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन में कहा गया है कि एक्स कॉमोडिटी की आप एक इकाई कंज्यूम करोगे और वाई कॉमोडिटी या वाई गुड्स की, वाई वस्तु की हम 25 इकाइयाँ यूज़ करेंगे। चाहे हम इसकी एक करें चाहे हम इसकी 25 करें, हमें सेटिस्फेक्शन दोनों से इक्वल ही होगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे सेटिस्फेक्शन सभी से इक्वल हो रहा है, यानी हम चाहे पहला वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करें, चाहे फोर्थ करें, चाहे सिक्स कॉम्बिनेशन, हमें सेटिस्फेक्शन इक्वल ही होगा। यही हमारा क्या है, इनडिफरेंस कर्व है। दो गुड्स की कॉम्बिनेशन बताए गए हैं जिनसे हमें सेटिस्फेक्शन इक्वल मिले, वही हमारा क्या कहलाएगा, इनडिफरेंस कर्व कहलाएगा। आगे कहा गया है कि हमने एक्स कॉमोडिटी की, हमें अगर एक वस्तु ज़्यादा चाहिए थी, हमें एक अतिरिक्त इकाई चाहिए थी, यानी हम पहले एक कर रहे थे, अब हम टू यूनिट का अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें वाई की क्या करनी पड़ेगी, 5 इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी, हमें 5 इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पर फिर भी हमें सेटिस्फेक्शन कैसा होगा, जो कि हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूज़ करे थे उस वैसा ही सेटिस्फेक्शन हमें सेकेंड कॉम्बिनेशन में होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्स की हमें अगर धीरे धीरे मात्रा बढ़ा रही हूँ तो वाई की मैं क्या कर रही हूँ, कम कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा रूल है। अगर हमारे पास में रिसोर्स लिमिटेड है, हमें यहाँ पे देखना होगा, एक वस्तु की अगर हमें ज़्यादा मात्रा चाहिए तो दूसरे वस्तु की हमें कम करनी पड़ेगी। पर यहाँ हमें ये देखना है कि हर कॉम्बिनेशन से हमें सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वली होना होगा। अब यहाँ पे मैं कर्व को समझाऊँ तो कर्व में यहाँ कहा गया है, यहाँ पे आप एक्स वाई और एक्स लेते हैं, यहाँ कहा गया है कि ध्यान दें कि ये एक्स की मैं अगर एक यूनिट ले रही हूँ और वाई की मैं 25 ले रही हूँ। ठीक है, आगे कहा गया है सेकंड, चाहे तो मैं ये वाला फर्स्ट कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन इक्वल रहेगा। आगे कहा गया है सेकंड कॉम्बिनेशन में कि मैं वाई कॉमोडिटी की 2 और एक्स कॉमोडिटी की 3 लूँ, तो चाहे मैंने पहला वाला कॉम्बिनेशन लूँ चाहे मैं सेकंड लूँ, मुझे इक्वली क्यों होगी, कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक्स की मैंने मात्रा बढ़ाई तो वाई की मैंने कम कर दी, यानी मुझे सेटिस्फेक्शन इक्वली मिलेगा। वहाँ मैं एक बनाना ले रही थी और वहाँ मैं 25 एप्पल ले रही थी, सेटिस्फेक्शन मुझे इक्वली मिल रहा था। अब यहाँ पे मैं को अगर बनाना एक और चाहिए तो वहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये मान के चलो आपके पास में 100 रुपये ही है, तो वहाँ आपको एप्पल की कुछ मात्रा कम करनी पड़ेगी और आपको बनाना की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। आगे कहा गया है कि अगर मैं एक्स की 3 इकाइयाँ यूज़ करूँ तो वहाँ मुझे इसकी, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 से 3 मैंने बढ़ाई तो यहाँ पे मुझे एक्स वाई की क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है,
आगे कहा गया है कि एक्स की 4 तो यहाँ पे वाई की 13, यहाँ इसकी 5th लेनी पड़ेगी तो यहाँ इसी कहा गया है 11, और यहाँ अगर मैं इसकी 6th कमोडिटी यूज़ करूँ तो यहाँ मुझे इसकी 10 करनी पड़ेगी। तो ये कुछ मेरा इस तरीके से कर्व बनेगा। तो यहाँ मैं आप कह दूँ कि ये जो इनडिफरेंस कर्व होता है इसमें ये कहा जाता है कि चाहे आप ये कॉम्बिनेशन यूज़ करो चाहे ये कॉम्बिनेशन यूज़ करो, आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ ये कह सकती हूँ, आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें ये जो एक मैंने वक्र बनाया है, इस वक्र के हर एक पॉइंट में, चाहे आप ये ए पॉइंट लो, चाहे आप ये बी पॉइंट लो, चाहे आप सी लो, चाहे डी लो, कोई सा भी ए कॉम्बिनेशन, चाहे बी कॉम्बिनेशन, चाहे सी कॉम्बिनेशन, चाहे डी कॉम्बिनेशन, आपका इस पूरे वक्र में कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो वाई और एक्स वस्तु का। दो वस्तुएं हैं, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ करोगे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल ही होगा। इसे क्या कहा जाता है, इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है। हम यहाँ पे हमारी इच्छा के अनुसार, यानी कि हमारे रैंक के अनुसार, हम किसको अनधिमान देते हैं, यानी हम किसको प्रधानता देते हैं या इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हमारे घर में केले का ज़्यादा उपयोग होता है तो हम एप्पल का कम कर देंगे, किसी के एप्पल की बनाना की कम आवश्यकता है पर एप्पल की ज़्यादा है तो वो ज़्यादा ले लेगा, पर यहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल इक्वल ही होगा। हम हमारी इच्छा के अनुसार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी, ये क्या है हमारे, ये हम प्रिफ्रेंस दे रहे हैं। अगर हम बनाना को ज़्यादा प्रिफ्रेंस देंगे तो ए कॉम्बिनेशन ले सकते हो, अगर आप एप्पल को ज़्यादा प्रिफ्रेंस दोगे तो डी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, पर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनडिफरेंस मैप। मैप यानी कि क्या होता है, मानचित्र, यानी कि तटस्था मानचित्र। यहाँ पे अभी हमने देखा था कि मैंने ये इस तरीके से आकार बनाया, अगर मैं इस एक और बनाऊँ, दो बनाऊँ, यानी ये आई सी मेरा 1 हो गया, ये मेरा IC2 हो गया और ये मेरा IC3 हो गया। IC यानी कि इनडिफरेंस कर्व। तो ये मैंने एक यहाँ दो एक कर्व में मुझे दो कमोडिटी कई सेटिस्फेक्शन मिल रहे हैं, पर मैं जैसे ही इसको और ऊपर की तरफ बढ़ाती जाऊँ वैसा मेरा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन लेवल और ज़्यादा इंक्रीज होता रहेगा। IC3 में मेरे क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, यानी कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल अगर मुझे बढ़ाना हो तो मुझे इन डिफरेंस कर्व को और आगे की ओर बढ़ाना होता है। दो गुड्स के कई कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं पर तो वो क्या कहलाते हैं, मेरा इन डिफरेंस कर्व। तो देख लेते हैं एक बार, वन इन डिफरेंस कर्व डिपेंड वन स्पेसिफाई लेवल ऑफ सेटिस्फाई इस सेट इन डिफरेंस कर्व इन ए फिगर। ये आपको एक सेट दिया हुआ है, आप IC1 भी यूज़ कर सकते हो, IC2 भी यूज़ कर सकते हो और IC3 भी यूज़ कर सकते हो। फिगर डिस्प्लेस डिफरेंस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन व्हेन मैनी इन डिफरेंस कर्व आर शोन इन वन फिगर। आपको एक ही कर्व में, मतलब एक ही फिगर में आपको इन डिफरेंस कर्व कई दिए गए हो, IC1, IC2, IC3 इस तरीके से कई दिए हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैप। अगर हमने एक ही इन डिफरेंस कर्व यूज़ लिया तो हमारा इन डिफरेंस कर्व कहलाएगा। कई तरीके के हमने यहाँ पे इन डिफरेंस यूज़ की है या दिखाए हैं, प्रेजेंट किए, तो हमारा क्या कहलाएगा, इन डिफरेंस कर्व कहलाएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वहाँ क्या होगा, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल और इंक्रीज होगा। यहाँ इसका हम आपको डायग्राम दिखा देते हैं। यहाँ कहा गया कि गुड्स एक्स और गुड्स वाई के IC1 भी यूज़ कर सकते हो। इस IC1 में मैं देखूँ कि अगर मैं वाई वस्तु की 15 अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ मैं क्या करूँगी, इसकी एक कमोडिटी ये भी कर सकती हूँ, यहाँ मैं इसकी ये और ये 5 मैंने ली किसकी, वाई वस्तु की, और 4 मैंने ली एक्स वस्तु की, ये कॉम्बिनेशन। वही मैं अगर IC2 में जाऊँ तो मैं यहाँ देखूँगी कि मैं ये यू और ये यू भी जा सकती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, इसकी भी ज़्यादा मात्रा मिल रही है और इसकी भी ज़्यादा मात्रा मुझे मिल रही है। तो यहाँ पे हम IC1 कब बढ़ा सकते हैं, जब हमारी इनकम बढ़ी हुई है। अगर मेरे पास में 100 रुपये थे या 20 रुपये थे तो मैं ये भी ले सकती हूँ, अगर मेरे पास 30 रुपये है तब मैं कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ, 10 वाला और 6 वाला, यानी IC2 वाला भी। यहाँ पे मेरा क्या होगा, और ज़्यादा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। कल के हम
क्लास में हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व का जो डायग्राम बना है वो ऊपर की ओर ही क्यों गया, क्योंकि इससे पहले हमने पीपीसी कर्व में भी टू कॉम्बिनेशन के पढ़े, तो टू गुड्स के कॉम्बिनेशन थे, पर उस समय कर्व यूं क्यों गया था, नीचे की ओर क्यों आया था, कॉनकेव क्यों बना था और इसमें कॉनवेक्स क्यों बन रहा है, इसका रीज़न हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व के करेक्टर्स इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।